मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं विक्रम सर पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने श्रृंखला, वलय और ब्रांच के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? ब्रांच के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, यानी कार्बनिक क्लिक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। होता क्या है कि देखिए, जब कोई वस्तु एक होती है तो उसको याद करना कठिन नहीं बल्कि सरल होता है। दो है, तीन है, पांच है, छह है, दस है, तुन्हें याद करना, समझना, उनके बारे में जानकारी एकत्र करना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी एकत्र करना कठिन नहीं बल्कि बहुत ही आसान होता है। अब लेकिन आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या लगभग 20 लाख से 30 लाख है। कितने यौगिक हैं? 20 लाख से 30 लाख यौगिक हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें याद करना कठिन होगा, कहाँ कहाँ है उसके बारे में पता लगाना कठिन होगा, किनके क्या नाम है ये भी थोड़ा सा कठिन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले नामकरण की दो विधि आई। जो हमारी सबसे पहली पद्धति आई थी उसको हम लोग जिनेवा पद्धति कहते हैं। इसको निरर्थक पद्धति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरर्थक पद्धति। निरर्थक पद्धति में होता क्या था कि धातुओं के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के यौगिकों के जो नाम लिखे जाते थे वो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, उनके रंग के आधार पर लिख दिए जाते थे। इसके आधार पर लिखे जाते थे, उनके गुण के आधार पर, वो चाहे फिजिकल कुछ है, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, कुछ नाम तो उत्पत्ति के आधार पर लिख दिए जाते थे कि उनकी उत्पत्ति किस स्थान से हुई है, कहाँ से लिखी है, कुछ लैटिन भाषा के आधार पर नाम लिख दिए गए। ठीक, ज्यादा दिनों तक ये विधि प्रचलन में नहीं रही। अब इसका नाम, इसीलिए इसको हम लोग क्या, कौन सी विधि कहते हैं? निरर्थक पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? निरर्थक पद्धति कहते हैं, क्योंकि हाँ इतना तो है कि कम से कम कुछ आइडिया हमको प्राप्त हुआ। अब इस निरर्थक पद्धति में आप समझ गए कि इस पद्धति से कोई विशेष मतलब नहीं था। ठीक, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, उनके गुण के आधार पर, उनके नॉमिनिक्लेक्चर यानी नामकरण क्या किया था, किया जाता था। कुछ दिनों तक ये विधि प्रचलन में रही, फिर कुछ दिनों तक प्रचलन में आने के बाद ये विधि समाप्त हो गई। फिर उसके बाद अगली पद्धति जो हमारी आई, जो हमारी अगली पद्धति आई जो आज भी मान्य है, उसको हम लोग कहते हैं आईयूपीएसी पद्धति। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ये किसका फुल फॉर्म है? आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, जिनेवा पद्धति या फिर निरर्थक पद्धति के बाद यही पद्धति प्रचलन में आई। ठीक, उसके बाद ये पद्धति आज भी मान्य है। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा प्रचलन में कौन सी पद्धति है, नाम को मेजरमेंट की, मापन की, तो
तो हम लोग कहते हैं यम के एस पद्धति है। तो उसी प्रकार इसमें इस समय जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो कौन सी पद्धति है, इंटर आईयूपीएसी पद्धति इस समय प्रचलन में है। इसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसका हिंदी होता है अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध रसायन संघ, ठीक। ये एक संस्था है जो इस विषय पर काम करती है। तो आइए हम आपको पढ़ाते हैं कि क्या इसमें कैसे सिस्टम है। अब इसके पहले सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि कार्बन की संख्या कैसे काउंट करते हैं, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मान लीजिए एक कार्बन रहे तो C1 पर ये बनता है मिथ, C2 पर ये बनता है एथ, C3 पर ये बनता है प्रोप, C4 पर बनता है ब्यूट, C5 पर बनता है पेंट, C6 पर बनता है हेक्स, C7 पर बनता है हेप्ट। क्या बनता है, हेप्ट बनता है। C8 पर बनता है ओक्ट, C9 पर बनता है नोन, ठीक। उसके बाद C10 पर बनता है डेक। क्या बनता है, डेक बनता है। अब जैसे मान लीजिए 11 है तो डेक अनडेक, 12 पर बनता है डोडेक। फिलहाल हमको आपको ज्यादातर इतने के बारे में ही जानना है यहां तक। इसके बाद की जो चीजें हैं वो कक्षा 12 में पढ़ाई जाती हैं, ठीक। C1 पर क्या बनेगा, मेथ बनेगा, C2 पर एथ बनेगा, C3 पर प्रोप, C4 पर ब्यूट, C5 पर पेंट, C6 पर हेक्स, C7 पर हेक्ट, C8 पर ओक्ट, C9 पर नोन और C10 पर क्या बनता है, डेक बनता है। क्या बनता है, डेक बनता है। अब आइए हम लोग आगे की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एल्केन ग्रुप। एल्केन समूह ले लेते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। इसमें क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है। क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है। क्या जुड़ता है, एन। अब जैसे हमने पहला लिया CH4 लिया, क्या लिया, CH4 लिया, तो कार्बन कितने यहां पर, एक है। कार्बन कितने, एक है। एक पर क्या होता है, मेथ होता है, तो मेथ होता है, तो मेथ में क्या जोड़ दे, एन, तो ये बना लेगा मेथेन। क्या बनाएगा, मेथेन। जैसे हमने लिखा C2H6 लिखा, क्या लिखा, C2H6 लिखा, तो कार्बन कितने यहां पर, दो कार्बन है, दो कार्बन पर क्या बनेगा, एथ, एथ पर क्या बनेगा, एथेन। कभी कभी सामान्य सूत्र ना देकर स्ट्रक्चर दे देता है, जैसे अब यहां पर हमको कैसे काउंट करेंगे हम, तो यहां पर हाइड्रोजन से आपको कोई मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन एक बार देख लीजिए कि कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। इस सूत्र पर एक बार चेक कर लीजिए, C5H कितना होगा, 2×5+2, C5H 5×10, 10×2, 12। अब देखिए क्या यहां पर 12 हाइड्रोजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 5×10, 11, 12। यानी किस ग्रुप का है हमारा, एल्केन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। तो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। 5 कार्बन पर ये क्या बनाएगा, मेथ बना, 5 पर ये क्या बनाता है, पेंट बनाता है। 5 पर क्या बनाएगा, पेंट बनाएगा।
और जब पेंट में हम एन जोड़ देंगे तो क्या बनाएगा, पेंटेन बनाएगा। क्या बनाएगा, पेंटेन बनाएगा। कुछ इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनिक्लेचर करते हैं। आज हम लोगों ने क्या सीखा, एल्केन ग्रुप का। अब अगले वीडियो में हम लोग एल्कीन और एल्काइन ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना कि एल्केन ग्रुप में सभी कार्बन के भी सिंगल बॉन्डिंग होती है, यानी एकल बंध होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतनी चर्चा करेंगे। इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 88 58 19 58 65 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।